वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चुनाव ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है 17वीं लोकसभा के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको चुनाव और ईवीएम साथ में वीवीपैट, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको आने चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है वो फ्री में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? चुनाव की बात है तो भारत में सर्वप्रथम जो आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952। आप कहीं पर देखेंगे ऑप्शन में आपको 1951 से 52 भी लिखा हो सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो एक्चुअली 1952 है, जहाँ पर प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति से मिलती जुलती है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों, आपको कमेंट करके भी हमें बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर लगभग सही बताया, क्योंकि हमें भी पता लगना चाहिए कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन, ताकि हम क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ा सकें। अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो हम क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर बताइएगा, टोटल कितने आपके आंसर सही होते हैं वो भी बताइएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन से जो है भारत की निर्वाचन पद्धति मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2019 का लोकसभा चुनाव कौन से लोकसभा के लिए हो रहा है? यानी लोकसभा का आपको क्रम मालूम होना चाहिए कि किस लोकसभा के लिए वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री हैं, या फिर वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो कौन सी लोकसभा के लिए हो रहा है। तो वर्तमान समय में जो हो रहा है 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अभी वर्तमान समय में 16वीं लोकसभा है जो चल रही है, और जिसके प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यहाँ पर 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है और जिसका 23 मई को नतीजा आना है, ठीक है। 7 चरणों में ये टोटल जो है पूरा मतदान हो रहा है, 7 चरणों में ये पूरा चुनाव संपन्न होगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले यानी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको बताना है। सुकुमार सेन, जीवी मावलंकर, नागेंद्र सिंह, टी स्वामीनाथन? तो ये बहुत ही आसान सवाल है और कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आप इसको नोट रखिए। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे स्टेट लेवल का कोई पीएससी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, इन सभी में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अब देखिए, वर्तमान समय के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट में यानी मई 2019 के हिसाब से अगर बात की जाए तो 17वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हो रहा है, इस वक्त जो चुनाव हो रहा है और इस चुनाव के समय, यहाँ पर वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यहाँ पर कौन है, देखिए ओपी रावत यहाँ लिखा हुआ है, अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ओपी रावत जो है वो पहले थे, वर्तमान समय में सुनील अरोड़ा हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, मुख्य चुनाव आयुक्त की जब बात हो रही है तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये याद रखिएगा, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चुनाव में प्रयुक्त मशीन ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम जिसका इस्तेमाल किया जाता है वोट देने के लिए, तो इस ईवीएम का फुल फॉर्म बताना है। देखिए, क्वेश्चन जो है काफ़ी ऑप्शन आपको इस तरह से दिया रहेगा कि आप कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शंस के साथ हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या फिर इलेक्ट्रिकल वेंडिंग मशीन। तो यहाँ पर देखिए वेंडिंग नहीं होता है, तो सबसे पहले वेंडिंग वाला ऑप्शन आप यहाँ से डिडक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और एक है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? देखिए, इस बार वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ईवीएम में, साथ खास करके 17वीं लोकसभा के लिए जो है वीवीपैट का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है, और ये हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। वीवीपैट क्या होता है, जिसके अंदर
जब आप ईवीएम मशीन में कोई पर्चा, जैसे आप किसी भी उम्मीदवार को आप मतदान करते हैं, तो आप सामने आपके वीवीपैट की एक मशीन है जिसके अंदर आपको एक डिस्प्ले होकर के एक पर्ची आएगी। उस पर्ची पर उस उम्मीदवार का चिन्ह और उसका नाम लिखा हुआ आता है कि आपने जिसको वोट दिया है उसी की वो पर्ची है। 3 से 5 सेकेंड तक वो पर्ची जो है वहाँ पर अपीयर होती है, उसके बाद वो फिर बॉक्स के अंदर गिर जाती है। तो ये वीवीपैट का इस्तेमाल होता है, और वीवीपैट का यहाँ पर आपको पूरा नाम बताना है। तो वीवीपैट का जो यहाँ पर नाम है वो है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ईवीएम में नोटा कब लागू किया? नोटा आप सभी को मालूम होना चाहिए, नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं, यानी कोई भी कैंडिडेट, ये कोई भी मतदाता अगर किसी को मतदान नहीं करना चाहता है तो ईवीएम मशीन के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में सभी उम्मीदवार के लिए चिन्ह और उसका सीरियल नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई लास्ट में जो होता है वो ऑप्शन होता है नोटा, यानी कोई अगर चाहे कि उसको बीजेपी को वोट नहीं करना, उसको कांग्रेस को वोट नहीं करना, या किसी भी पार्टी को उसको वोट नहीं करना है, तो वो नोटा दबा सकता है। नोटा का मतलब वो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा कि ईवीएम में नोटा कब लागू किया गया। तो ईवीएम में नोटा जो इस्तेमाल किया गया था अक्टूबर 2013 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटा स्टार्ट किया गया था, ईवीएम के अंदर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? अब देखिए यहाँ पर जब सिंपल पूछा जाए कि ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया था, तो ये किया गया था 1982 में, मई 1982, मई 1982 ऑप्शन नंबर बी में है, और यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मई 1982 में केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में, केरल में हुआ था इसका इस्तेमाल, और एक जगह है वहाँ पर परूर, परूर विधानसभा क्षेत्र, परूर विधानसभा क्षेत्र में केरल में इसका इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ पर उपचुनाव हुए थे, और इसी उपचुनाव के दौरान 50 मतदान केंद्रों पर केरल के अंदर परूर जगह विधानसभा क्षेत्र के अंदर मई 1982 में ईवीएम का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? अब देखिए बड़े पैमाने की बात की गई है, बड़े पैमाने पर जब ईवीएम की बात की गई, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। बड़े पैमाने पर जब ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है तो वो किया गया था 1998 में, 1998 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पूरे देश में 1998 में, पूरे देश में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली विधानसभा में पहली बार इस्तेमाल किया गया था ईवीएम पर, और ये एक बड़ा पैमाना था क्योंकि 3 राज्यों के अंदर विधानसभा की सीटों पर जो है इलेक्शन कराया गया था, और सभी सीटों पर नहीं था, 16 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर इलेक्शन होना था और इसमें इस्तेमाल किया गया था। तो 1998 में बड़े पैमाने पर, जब वर्ड जुड़ा होगा बड़े पैमाने पर, तो आपको 1998 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, किस वर्ष लोकसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव था जब पूरे देश में सभी केंद्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? अब देखिए एक साथ पूरे देश के अंदर, एक साथ पूरे देश के अंदर ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो कब किया गया था, और ये लोकसभा के अंदर किया गया था, तो वो कौन सा लोकसभा चुनाव था ये आपको बताना है। तो लोकसभा चुनाव 2004 में जो कराया गया था, उस लोकसभा चुनाव के अंदर ईवीएम का इस्तेमाल एक साथ सभी केंद्रों पर पूरे देश के अंदर किया गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे राज्य में कौन ऐसा राज्य है जहां पर पूरे राज्य में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, तो वो राज्य कौन सा है जिसने सबसे पहले ईवीएम से चुनाव कराया था पूरे राज्य के अंदर? तो वो है गोवा, याद रखिएगा गोवा, और 1999 में गोवा ने कराया था अपने राज्य के अंदर 1999 में ईवीएम से चुनाव। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो आपको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए। इस बुक की कीमत जो है वो सिर्फ 35 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको
4000 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जिसमें वन लाइनर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। सॉल्यूशन विथ ट्रिक एंड हिंट्स है। फ्री मॉक टेस्ट होगा जो इसके अंदर ही है। 20 टेस्ट हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। ये एल बुक पब्लिशर की तरफ से ये बुक छापी गई है और ये ई बुक है। इसके लिए आपको जो है कोई बुक नहीं खरीदनी है, वो ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ई बुक जो है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप इनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर आता है, आप उस नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको PDF फाइल डाउनलोड करने में किसी तरह से दिक्कत आ रही है, पेमेंट कट गया हो और पैसे लग गए आपके और आपको ये PDF डाउनलोड नहीं हुआ, तो आप इनको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको ये डायरेक्ट जो है वो प्रोवाइड करा देंगे PDF फाइल। इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मीडियम से ये क्वेश्चन पेपर जो इसमें कलेक्ट करवाया गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है जो सारे NTPC और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल सिलेबस वाइज है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्र के लिए पूरा, जिसमें 4000 क्वेश्चन एंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? चुनाव से 48 घंटे पहले, चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ, चुनाव से एक दिन पहले या फिर चुनाव के दिन? तो देखिए, जब चुनाव होता है, चुनाव की तिथि जारी जैसे की जाती है, उस दिन से ही आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे ही चुनाव की तारीख तय होती है और वो बताई जाती है, घोषित की जाती है, घोषित करने के बाद ही चुनाव की तारीख का ऐलान जैसे होता है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि 48 घंटे पहले, चुनाव से 48 घंटे पहले जो है वो प्रचार प्रसार खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रचार प्रसार जो है वो 48 घंटे पहले समाप्त करना होता है, इसके बाद कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, 2019 में जो मतदाता दिवस मनाया गया था, इसकी थीम आपको बतानी है कि थीम क्या है, यानी इसका विषय क्या था। तो इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो विषय था वो था नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ये इस बार का थीम था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 2, 3, 4 या फिर 1। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। पहले जो चुनाव निर्वाचन आयोग में सदस्य होते थे वो केवल 1 सदस्य होते थे, लेकिन अब 3 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 जो होते हैं वो होते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयुक्त होते हैं और 1 होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 61वें संविधान संशोधन के पहले मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या थी? जो संविधान का संशोधन 61वां हुआ था, उससे पहले मतदान की न्यूनतम उम्र क्या थी? तो देखिए, इसमें मतदान की न्यूनतम उम्र जो है वो पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संशोधन के बाद अब 18 वर्ष हो गए है, तो वर्तमान समय में जो है वो 18 वर्ष है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।